अस्सलाम वालेकुम, रमजान सीरीज एपिसोड 17 में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बना रहे हैं चिकन नगेट्स। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और मैंने ये रेसिपी बहुत ही देसी स्टाइल से बनाई है। इसकी शेप बाजार जैसी हो ना हो, बट इसका टेस्ट बाजार के नगेट्स से भी ज्यादा अच्छा है। ये चिकन नगेट्स बहुत ही जूसी, टेस्टी और जायके में लाजवाब हैं। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। सबसे पहले आपने आधा किलो चिकन लेना है, उसको धोकर कट करके आपने उसका कीमा बना लेना है। फिर आपने चॉपर में डालना है चिकन कीमा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल पीसी मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सूखी मेथी, 1 चम्मच आपने सोया सॉस, 1 अंडा और 1 ब्रेड को आपने हाथ के साथ तोड़ के इसके अंदर डाल देना है। सब चीजों को आपने चॉपर में चॉप करना है और किसी भी बर्तन या प्लेट में निकाल के उसको 30 से 45 मिनट के लिए आपने फ्रीजर में रखना है। फिर जी आप हाथों पे लगाएं ऑयल और चिकन मिक्सचर को दें चिकन नगेट्स की शेप। कोटिंग के लिए आपने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को 1 कप मैदे में डालकर अच्छे से मिक्स करना है। फिर 1 कप ब्रेड क्रम्स में 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून आपने काली मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स करना है। सबसे पहले आप चिकन को मैदे के मिक्सचर में कोट करें, फिर अंडे में डिप करें और फिर आखिर में आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। सब चिकन नगेट्स की कोटिंग करने के बाद 1/2 घंटे के लिए आपने फ्रीजर में रख देना है। फिर जी आप एक एक करके सब चिकन नगेट्स को गर्म तेल में फ्राई करें। चिकन नगेट्स को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। हमारे चिकन नगेट्स बिल्कुल रेडी है। मेरी तरफ से सबको आज की इफ्तार मुबारक। मिलते हैं कल रमजान सीरीज एपिसोड 18 सना फूड मीडिया पर।